दोस्तों, ये शहर जाम की समस्या से जूझ रहा है। जी हाँ, शहर में जाम के चलते लोगों का अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचना दूभर हो गया है। इसमें क्या स्कूली बच्चे हों या फिर बीमार मरीजों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस हो, या फिर न्यायालय में अपने मुकदमे की सुनवाई करने जा रहे वादकारी हों, या फिर किसी को खून देकर जान बचाने के लिए जा रहे हों, या फिर कोई समाज सेवी हों जो समाज का कल्याण करने निकले हों, कोई भी हो, सबको इस समस्या से जूझना पड़ता है। सबको अपने अपने स्थान पर पहुंचने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, वो भी अतिरिक्त। मज़ेदार बात तो यह है कि हर गली चौराहे पर बिना हेलमेट और यातायात नियमों का पालन न करने वालों का चालान काटने वाली यातायात पुलिस और शहर की पुलिस मौके पर दिखाई नहीं देती। अब तो आलम यह हो गया है कि शहर जाम के कारण चलता हुआ नहीं बल्कि रेंगता हुआ दिखाई देता है। रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा। आप बताता चलूँ कि ये राज्य का शहर है कि जाम के झाम में फंसा हुआ एक विकराल रूप धारण कर रहा है, लोगों की समस्याओं के साथ जूझने वाला शहर बनता जा रहा है। कुल मिलाकर देखिए, अगर आपको एक कदम से 10 कदम चलना हो, 10 कदम बाकी कम से कम 10 मिनट या 20 मिनट समय लेकर चलिए, वरना आप राज्य शहर में निकल नहीं सकते। मैं दिखा दूँ, ये भी देखिए कम से कम 1.25 घंटे से जाम लगा हुआ है, और ये जाम देखिए कितना भीतर बना हुआ है कि लोग निकलना छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे तक जो है इसमें घूम रहे हैं, और कब निकले होंगे बच्चे भूखे प्यासे जो है स्कूल जाने के लिए, लेकिन अभी तक जो है जाम के झाम में फंसे हुए हैं। और जाम के झाम में दिखा रहे थे कि लगातार ये जाम बना हुआ, और सबसे मज़ेदार बात यह है कि अभी तक कोई भी पुलिसकर्मी इस जाम को हटाने के लिए नहीं दिखाई दे रहा। बताते चले कि आज प्रभारी मंत्री भी राजधानी शहर का भ्रमण कर रही हैं, और सूचना ये भी है कि जो है उनकी एक बचत विकास भवन में बैठक भी चल रही है, लेकिन बैठक के बाद देखिए क्या जाम फंसा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे ऑटो में रिक्शे से बैठ के स्कूल की बसों में बैठ के जा रहे हैं, लेकिन उनको देखने वाला, उनको समझने वाला कोई नहीं, ना तो इनको हटाने वाला कोई है। जो इसका जहाँ मन कर रहा उस रास्ते से निकल रहा, और यही सबसे बड़ा कारण होता है जाम बनने का। लेकिन लगातार इस जाम से निपटने के लिए जो सबसे बड़ा मुख्य विभाग बनाया गया है यातायात पुलिस, वो यातायात पुलिस अभी तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। लोग अपने खुद को यातायात कर्मी समझ के जिधर से रास्ता चाहते हैं उधर से रास्ता बनाते हैं और निकलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने घर जाना है, उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं, और खुद बच्चे घर जाने की कोशिश करें क्योंकि उनके माता पिता उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहाँ बैठी हुई है राजभी जनपद की यातायात पुलिस। हॉर्न शूटर हूटर सब बज रहे हैं, लेकिन यह जाम है कि हटने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन कब तक लगा रहेगा देखिए। अब दिखाते हैं कि यातायात पुलिस पहुंची है, और उसने जो है तत्काल कुछ नहीं तो आते ही जो है एक काम करना शुरू कर दिया, गाड़ी को हटवाना शुरू कर दिया, नहीं तो चालान शुरू हो गया है अब गाड़ियों का चालान, और साथ में यातायात पुलिस एक सिपाही बिना टोपी लगाए हुए इस जाम को हटाने के लिए मौके पर आ गया। साथ में मैं दिखाऊंगा, देखिए पीछे खुद पुलिसकर्मी फंसे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा जूम कर दे तो आ जाएंगे पुलिसकर्मी भी, हेलमेट लगाए हुए हैं। एक भाई साहब तो हेलमेट लगाए हुए हैं और दूसरे भाई साहब पर हेलमेट भी नहीं, लेकिन क्या ये यातायात कर्मी उनका चालान करेंगे, आइए देखते हैं लगातार। लेकिन जाम देखिए बना हुआ, एक पुलिसकर्मी शायद अपने सहयोगी को रास्ता देने के लिए मौके पर आ गया हो, इसीलिए ये जाम हट रहा है। अब इसी के साथ बता देते हैं कि जाम हटने का नाम नहीं लेगा, 1 घंटे से जाम लगा बताया जा रहा है। 9 बजे संजय मिश्रा रिपोर्ट।